नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप कैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप से किसी का भी नाम जोड़ेंगे। आप बीएलओ हैं तब भी जोड़ सकते हैं, अदर व्यक्ति हैं तब भी, मतलब इस ऐप का उपयोग कोई भी आम आदमी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आपको नया नाम जोड़ना है। अगर मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी चैनल पर यूजफुल वीडियोस अपलोड होगी इसकी सूचना और सबसे पहले आपको मिलेगी। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। यहाँ पर टाइप करना है वोटर हेल्पलाइन। जैसे कि देख पा रहे हैं ये एप्लीकेशन मेरे सामने आ गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आपको हम बताएंगे कैसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेंगे। बीएलओ के अलावा अदर पर्सन भी इसमें जोड़ सकते हैं या सुधारने का काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, सुधारना जोड़ना सब, मतलब पूरा जो वोटर लिस्ट का काम इससे भी होता है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके बाद फिर ओपन करके आपको बताएँगे कैसे नया नाम जोड़ेंगे वोटर लिस्ट में इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप इस करने के दौरान बीच में कुछ इम्पोर्टेंट बातें छूट जाए आपसे सुनना। तो इंस्टॉल हो रहा है मेरा, फिर ओपन पर क्लिक कर दिए। जैसा इंटरफेस आ रहा है आपका भी आएगा सेम। अब कर लेना है क्या, ऐसे ही रखना है। तो फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि एग्री का ऑप्शन है, तो एग्री पर यहाँ पर टिक लगा करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना, जो भी सिलेक्ट करना चाहें। इंग्लिश में ही मेरा क्या हुआ है, हम गेट स्टार्ट पर करते हैं। अब हिंदी में भी कर सकते हैं। गेट स्टार्ट पर नीचे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा इंटरफेस ऐसा। तो आप वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्म आ जा रहा है कि नया नाम जोड़ने का, करेक्शन करने का, डिलीट करने का सभी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलता है। तो हम क्या करेंगे, नया नाम जोड़ेंगे तो पहले वाले फॉर्म नंबर 6 न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि इंडियन है इसलिए इंडियन का करेंगे। अदरवाइज़ अगर अदर इंडियन नहीं होगा तो फिर नीचे क्लिक करना है आपको। फिर उसका पासपोर्ट नंबर डिटेल्स मांगा जाएगा, तो हम इंडियन है इसलिए ऊपर पर क्लिक करते हैं। फिर लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ उनका नंबर डालना है जिनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना चाह रहे हैं, जिनका अभी जोड़ रहे हैं प्रेजेंट में, क्योंकि ये नंबर उनके वोटर कार्ड से लिंक होगा। तो यहाँ पे नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी लेके वेरीफाई करेंगे। ये तो प्रोसेस हम कर ले रहे हैं। क्या करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर यस पर ऑलरेडी क्लिक किया रहना देना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हैं। फिर इंडियन सिटीजन यस पर ऑलरेडी ऊपर वाले सेक्शन पर क्लिक किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टेडियम उनका जिनका भी जोड़ना चाह रहे हैं सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करके जो ईयर है या ईयर पर क्लिक करके ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंथ इस तरह आगे पीछे करके मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनका जनवरी है तो रहने दिए। फिर 10 तारीख है तो 10th पर क्लिक करके नीचे ओके पर क्लिक कर लेंगे तो सेट हो जाएगा। आप देख भी लेंगे एक बार। अब ये बात की सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स जो डेट ऑफ बर्थ के रूप में कौन सा लेना चाह रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स से आप जुड़वा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट आपका 10th का, 12th का, या मार्कशीट 5 या 8 का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर क्लिक करके अब आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ देखना है आपको कि मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, 2 MB का होना चाहिए। तो अपलोड पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी गैलरी में है, मतलब पहले से फ़ोटो ले लिए हैं तो वहाँ से ले लेंगे, या फिर कैमरा पर, तो कैमरा से हम डायरेक्ट आपके सामने जो है इसको शूट करके दिखा रहे हैं। अलाउ पर क्लिक कर लेना ऊपर वाले ऑप्शन में, यहाँ पर शूट कर ले रहे हैं। फिर क्रोम भी करके दिखाएंगे आपको। तो नीचे राइट का चिन्ह है, उस पर क्लिक करने के बाद मेरा इस तरीके आ गया। इस क्रॉप कर लेंगे तो साइज़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, फुल अगर रहने देंगे आप तो फिर साइज़ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फिर इस पर ऊपर में राइट चिन्ह लगा दिए, अभी अपलोडेड हो गया। यहाँ पर नीचे दिखाई भी दे रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है। जिनका उम्र 21 साल से अधिक होगा तो उनका क्या है, एज डिक्लेरेशन फॉर्म, मतलब आयु संबंधी घोषणा पत्र भी अपलोड होता है। जैसे कि हो सकता है, मान के चलिए इसका हम ना ज़्यादा कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि 21 से अधिक अगर उम्र होगा तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ गया कि एज डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ अपलोड करना है, यहाँ डाउनलोड भी करने का ऑप्शन दिया है। तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे वो भी वीडियो अपलोड है चैनल पर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप उनको देख के समझ लेंगे कि आयु संबंधी घोषणा पत्र कैसे आप भरेंगे। तो इनका तो जो एग्जैक्ट है 21 साल से कम है, उसी हम इसका आयु संबंधी घोषणा पत्र भरने की ज़रूरत नहीं है। 21 साल से अधिक जिनका भी उम्र होगा, फर्स्ट टाइम वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहा है, तो उनका घोषणा पत्र चाहिए। तो हम इसका सही डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अपलोड पिक्चर, तो पिक्चर का भी KB जो होना चाहिए 200 होना चाहिए। अब मेल फीमेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नीचे नेम वगैरह। तो करेंगे क्या, फ़ोटो को शूट कर लेंगे हम, डायरेक्टली भी शूट कर लेंगे जैसे क्लिक करेंगे, तो वही सिस्टम है गैलरी में या फिर कैमरा में। तो आप करेंगे क्या, पहले खींच करके उसको क्रॉप करने के बाद फोटो के साइज को कैसे कम किया जाता है वो भी वीडियो अपलोड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख के समझ लेंगे, क्योंकि फिर इसमें अगर हम बताएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। तो हम वो काम कर ले रहे हैं, फिर आगे के प्रोसेस में जाएंगे। फिर यहाँ ऑप्शन आ रहा है इंटर योर नेम, मतलब
जिनका नाम जोड़ना चाह रहे हैं उनका नाम इंग्लिश में यहाँ टाइप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रीजनल नेम कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनका नाम हम टाइप कर लेते हैं, रीजनल मतलब जो आपका क्षेत्रीय भाषा, हो सकता है कि आपका जनरली तो इंग्लिश हिंदी रहता ही है, उस कहीं कहीं बंगला है, बंगाल के हैं तो बंगाल रहेगा, अदर के हैं तो अदर जगह का रहेगा। उसके तो फिर नीचे आ रहे हैं, इनका हम पहले ये भर लेते हैं तो फिर ये आपको समझाएंगे। फिल कर चुके हैं इंग्लिश में, अब इस पर क्लिक करेंगे, देखते हैं। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा रीजनल लैंग्वेज में। अगर इसमें कोई त्रुटि है, हो सकता है कि अदर लैंग्वेज है आपका, तो यहाँ पर क्लिक करके क्या करेंगे, एडिट ऑफ कर लेंगे। जैसे कि इसका मिस्टेक हुआ था तो हम यहाँ से सही कर दिए। अब आ जाना है यहाँ पर सरनेम, कोई अगर अप्लीकेंट का सरनेम है तो भरना है, मतलब जहाँ स्टार रहेगा वो कंपलसरी है, ये भरने की जरूरत नहीं है। अगर सरनेम कुछ है तो यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर रीजनल में क्लिक करने का तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मोबाइल नंबर देख रहे हैं, ये मोबाइल नंबर ऑप्शन में मोबाइल नंबर दिखेगा जो उनका दिया हुआ था, दिए थे। अब मेल तो कंपलसरी नहीं है, डाल भी सकते हैं नहीं भी। डिसेबिलिटी नीचे में जो अगर इनमें से कोई विकलांगता है उनमें तो क्लिक करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जाना है इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव, मतलब उनके रिलेटिव जैसे कि हो सकता है फादर या हस्बैंड का नाम क्या है, अगर किसी फीमेल का जो रहे तो, या फिर मदर का भी हो सकता है, उनके गार्जियन का नाम देना है। यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो रीजनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उनका रिलेटिव का इपिक नंबर है तो डाल देंगे तो बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पर इसमें टाइप में जो रिलेटिव कौन क्या है उनके, जिनका नाम यहाँ दिए हैं, फादर है, मदर है या अदर है। हस्बैंड का भी ऑप्शन आता है, कभी कभार नहीं आ रहा है अभी, तो अदर पर क्लिक कर देंगे आप। लेकिन अगर फादर है तो फादर पर ही क्लिक किया हुआ रहेगा। तो हम ये बाकी सब डिटेल्स डाल देते हैं, आपको कैसे रीजनल में कन्वर्ट होता है इंग्लिश में डालने के बाद, हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है, हम कर चुके हैं इससे पहले। तो वीडियो को लाइक कर दे अब तक नहीं किया तो, और चैनल से जुड़ जाए। क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउस नंबर, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पार्ट नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा बूथ नंबर का, तो हाउस नंबर से ही आपका क्या होगा, आपके वो कौन से वार्ड में नाम जाएगा, कौन से बूथ में क्लियर होगा। तो आप कैसे हाउस नंबर पता करेंगे, आपके गार्जियन या मम्मी पापा या आसपास की किसी का भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर लेके, इपिक नंबर लेकर के आप सर्च कर पाएंगे कितने नंबर मेरा हाउस नंबर क्या है। जनरली अगर आप नहीं कर पा रहे तो अंत में वार्ड नंबर दे ही देंगे, लेकिन अब एग्जैक्ट अगर चाह रहे हैं तो अपना हाउस नंबर कैसे निकालना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो बना हुआ है, अब 2 मिनट में देख सकते हैं। तो हाउस नंबर इनका जो भी है हम यहाँ टाइप कर ले रहे हैं, फिर रीजनल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे नीचे में एड्रेस है, इसे लोकेलिटी क्या है, मतलब यहाँ पे तो विलेज लिख देंगे, यहाँ समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पे लोकेलिटी मान के चलिए इसका पंचायत का नाम यहाँ दे देंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। फिर विलेज या टाउन जो भी रहेगा उस पर यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर देना है, फिर रीजनल ऑटोमेटिक हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा इस पर क्लिक करने के बाद। फिर पोस्ट ऑफिस, फिर पिन कोड, उसके बाद एरिया टाइप नीचे में आ जाएंगे, पहले इनका ये सब डिटेल्स फिल कर ले रहे हैं हम। पिन कोड सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एरिया टाइप कौन सा टाइप, विलेज है, टाउन है, क्या है, तो इसमें विलेज है तो विलेज हम कर लिया। अब स्टेट सिलेक्ट क्या ऑलरेडी आता है, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद असेंबली, विधानसभा क्षेत्र, ध्यान से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा है इनमें से। उसके बाद सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ के रूप में देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट है, या फिर यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम लोग करते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, राशन कार्ड भी, इनकम सर्टिफिकेट, टैक्स ऑफिसर ऑर्डर है वो भी दे सकते हैं, या फिर क्या करेंगे पासबुक ऑफ लेटेस्ट एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड, मतलब पासबुक का फोटो कॉपी दे देंगे। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अब इसके लिए, मतलब ये एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं, राशन कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया। तो हम क्या करते हैं, पासबुक एक साल से पुराना होना चाहिए कम से कम, तो हम इस पर क्लिक करके इसका पासबुक फिर ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, इसका पासबुक हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे सेम वही प्रोसेस से पिछले में जैसे हम इनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट किए थे। इनका हम एड्रेस प्रूफ के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट्स लेना था हम ले चुके हैं, अब क्या करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको कि कितने दिन से इस पते पर रहा है। अगर यहीं का व्यक्ति है, मतलब जेंट्स है, इनका यहीं जन्म हुआ है, तो जो इसका डेट ऑफ बर्थ है वहीं सिलेक्ट कर लेंगे हम, इनका वही सिलेक्ट कर लेते इस पर क्लिक करके। फिर आपको ईयर ले लेना है, अगर नहीं शादी होकर के आई है तो उसमें क्या करेंगे आप 5-6 साल थोड़ा बहुत वैसे करके, मतलब जो एग्जैक्ट है वो डाल देंगे, 5-6 साल होना चाहिए कम से कम, 1-2 साल भी होता है तब भी नाम जुड़ेगा क्योंकि उनकी शादी यहाँ हुई है तो उनका होना ही है ना नाम ऐड।
फिर यहाँ एप्लीकेंट का नाम, जिनका नाम जो है उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे है एड्रेस, तो एड्रेस हम जिस जगह पे चाहे विलेज या ब्लॉक जहाँ से अप्लाई करें वो टाइप कर देंगे। क्लिक कर चुके हैं, आप क्या करेंगे डन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा डिटेल्स निकल के आ जा रहे हैं, यहाँ पे टाइम काउंट डाउन हो रहा है। अब देख लेंगे कि जो डिटेल्स डाले हैं वो सही है कि नहीं, ये डिटेल सही है, इसको इसको लॉक करके कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अगर मिस्टेक रहेगा तो यहाँ पर काट करके फिर दोबारा आप सही कर लेंगे। तो हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, अब थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि एरर भी हो जाए, मगर नेटवर्क सही रहेगा तो फिर सबमिट हो जाएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं इसका सबमिट हो चुका है, ये रेफरेंस आईडी है। कैसे आप ट्रैक करेंगे ये भी वीडियो अपलोड है, आप देख लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मतलब ये आईडी डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि मेरा कहाँ तक काम हुआ है, रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ, या क्या कारण से रिजेक्ट हुआ, कारण भी दिया रहता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।